तेरी आवाज है कि सूफी का कोई नगमा है, जिसे सुनो तो सुकून जन्नतों सा मिलता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में तीसरे दिन 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में सूफी कव्वाली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कला क्षेत्र से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मृदुला टंडना, समाज सेविका, ऋषिराज सिंह, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में यूसुफ खान निजामी और उनकी टीम ने सूफी कव्वाली से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कव्वाली के माध्यम से भारत में एकता का संदेश दिया, संदीप मारवा का धन्यवाद किया और लोगों को मजबूर कर दिया कि अपने साथ कव्वाली गाएं। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और खुशी जाहिर की कि जब आप कव्वालियों के बीच बैठते हो कि वहाँ का पूरा माहौल सूफियाना हो जाता है। आर्ट और कल्चर में कव्वाली का भी अपना एक योगदान है, वो बहुत ही जरूरी है आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण, संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सर, साहित्य के इस 3 दिवसीय त्यौहार में आपने कई अलग चीज़ें भी डाली, जिसमें कव्वाली भी है, संगीत भी है, कई चीज़ें हैं, इसका विचार कैसे आया कि कव्वाली संगीत? देखिए, फिल्में हो, रेडियो की वार्तालाप हो, टेलीविजन का प्रोग्राम हो या कोई किताब हो, हकीकत तो ये है कि जहाँ लिखा और पढ़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़ा हुआ है। वो और बात है कि कोई गहरा साहित्य की बात करता है और कोई चालू साहित्य की बात करता है। कुछ टेलीविज़न पे भी अगर आप देखें तो कितने ऐसे आपको ऐसे खूबसूरत कार्यक्रम मिल जाएंगे जिनको छोड़ने का आपका दिल नहीं करेगा। तो वो एक अच्छे साहित्य की ओर इसका मतलब हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से कोई अच्छी कविता, कोई अच्छा भजन, कोई अच्छी छंद, कोई मुहावरे, कुछ लकोतियाँ, ये सभी कुछ तो साहित्य का हिस्सा है। और इसी तरीके से जब मैं म्यूज़िक की बात करता हूँ, आज हम लोगों ने सूफी म्यूज़िक खास तौर पे रखा है, ये फिल्मी म्यूज़िक नहीं रखा ताकि कुछ लोग कहीं अटक ना जाएं, जबकि फिल्मों में भी इतने खूबसूरत गाने हैं जो एक अच्छे साहित्य का हिस्सा बन चुके हैं। और ये सूफी म्यूज़िक का मतलब ये होता है कि ये हकीकत में सूफी म्यूज़िक का मतलब है कि भजन गाने का एक दूसरा सरल तरीका। अगर आप सूफी भजन सुनेंगे शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रेमी प्रेमिका के लिए गा रहा है, लेकिन हकीकत ये होता है कि एक भक्त अपने परमात्मा के लिए गा रहा है। ये सूफी, अब उन शब्दों का आप जैसे मर्जी प्रयोग या दुरुपयोग कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। और इसलिए संगीत को कला का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है और उसका ऐसे भव्य अंतर्राष्ट्रीय मेले के अंदर उसका होना अति आवश्यक। पहले तो आप सबको बहुत बहुत लिटरेचर फेस्टिवल मुबारक। लिटरेचर फेस्टिवल का आज लास्ट दिन है और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में इसका समापन किया जाए और कव्वाली के, और वो भी सूफियाना कव्वाली के ताल्लुक से। हम अपनी कव्वाली में जो हिंदुस्तान का सूफीज़म है और जो सूफीज़म का पैगाम है, वो पैगाम जो है वो प्यार, प्यार का पैगाम है, इश्क का पैगाम है कि जिसने प्यार किया, जिसने इश्क किया, उसने सब कुछ किया। उस परमात्मा से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये फेस्टिवल जो है मारवा
स्टूडियो और मारवा सेलिब्रेशन जो हो रहा है उसको हम अच्छे से अच्छे उसको पेश करेंगे। साहित्य से काफ़ी जुड़ाव है, तो किस तरीके से समझते हैं सूफिज्म का साहित्य कितना बढ़ रहा है? बिल्कुल, सूफिज्म से साहित्य सूफिज्म से जुड़ा हुआ है और सूफिज्म साहित्य से जुड़ा हुआ है और ये हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। इसको सबसे ज़्यादा जो बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं गंगा जमनी तहजीब को, हमारे मारवा साहब कर रहे हैं। इनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके काम में और तरक्की करे, और मैं दुआ करूँगा कि ऐसे फेस्टिवल अगर होते रहेंगे तो लोगों में प्यार बढ़ेगा, प्यार का एक पैगाम दिया जाएगा, गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया जा रहा है जो बहुत अच्छा है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं, गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं, होली ईद दिवाली मुहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं, और झंडा तिरंगा हाथ में लेके भारतवासी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्यार किए जा प्यार इबादत है। सुशील सर, 3 दिवसीय कार्यक्रम के आप डायरेक्टर रहे, कैसे कैसे तैयारियां की थी, कितना समय लगा था इस पूरी तैयारी को करने में इस फेस्टिवल की, सबसे पहले उसके बारे में? देखिए, ये 3 दिन का जो फेस्टिवल है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 दिन ये फेस्टिवल जो आपने देखा है, तो इसके पीछे पूरे साल भर की मेहनत है और लगातार जो साहित्यकार हैं उनसे हम जुड़ते रहते हैं, उनको हम पढ़ते रहते हैं और उनके बारे में जानते रहते हैं, और उसके बाद एक निर्णय लेते हैं कि किनको मंच पर बिठाना है, कौन लोग होंगे, कौन लोग शिरकत करेंगे, किनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब अच्छा लगता है, थोड़ा सा मज़ा आता है क्योंकि ये 8th एडिशन है। पहले एडिशन में जब 2015 में हमें उतना आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके अब 7 एडिशन करके और ये 8वां एडिशन भी आज जो है समाप्ति के कगार पे है, तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे लिए एक तरीके से फ़न गेम है कि हम इसको अच्छे से कर पाते हैं, और जो बड़े सारे जो राइटर्स हैं उनके बीच में एक तरीके से एक विश्वास भी पैदा हुआ है और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है जिसको हम भरपूर निभाते भी हैं। सर, लगभग कितनी पुस्तकों का विमोचन इस पूरे कार्यक्रम में 3 दिन में हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, लगभग मैंने अभी पूरी गिनती नहीं की है, लेकिन लगभग 10-12-15 के लगभग पुस्तकें जो हैं इस फेस्टिवल में विमोचित हुई हैं, और हर मंच से लगभग जो है वो हमने कोशिश की है कि पुस्तक का विमोचन हो। और इस बार अच्छी बात ये भी है कि हमारे छात्र भी मोटिवेट हुए हैं और उन छात्रों ने भी किताबें लिखी और वो भी इस फेस्टिवल में उनका रिलीज हुआ है। अभी तक देश का विश्व का दूसरा फिल्म लिटरेचर फेस्टिवल है, क्या इस बार ये फर्स्ट रैंक में आ जाएगा? देखिए, हमारा कभी ये होड़ नहीं रही कि हम फर्स्ट रैंक पे आए या दूसरे रैंक पे आए, हमें सिर्फ काम करने का मतलब है, और जो भी देश के अंदर फेस्टिवल कर रहे हैं मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फेस्टिवल अपने आप में यूनिक है। यूनिक से मैं जब कहूँगा तो उसमें अंग्रेज़ी का वर्चस्व जो है वो रहता है, अंग्रेज़ी को हमारे लिए कुछ वो नहीं है, लेकिन हम उसके साथ साथ हिंदी भाषा और क्षेत्रीय जो भाषाएँ हैं उनका भी ध्यान रखते हैं।